तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी टीनएजर्स का सीजन 3 का पार्ट 7। और ये पार्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना। तो ये पार्ट बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से इसका लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था उस मॉन्क को और वो लोग बात कर रहे थे ड्यूक को क्राउन प्रिंस बनाने की। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो स्टोरी को समझने में। तो यहाँ पर हमें ये लोग बताते हैं कि काफी समय पहले किंग लियांग नाम का एक राजा हुआ करता था, और ये टैंग सेट का राजा था। और वो बताते हैं कि ये खुफिया संगठन उस राजा को उठाकर ले गए थे उसको मारने के लिए, पर तभी उसको बचाने के लिए उसकी वाइफ उसके पीछे गई थी ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर, पर वो उसको नहीं बचा पाती, उसको फांसी लगाकर मार दिया जाता है उस राजा को। और ये देखकर उसकी वाइफ भी वहां पर आत्महत्या कर लेती है उसी स्वॉर्ड से। और ये जो किंग लियांग था, ये ड्यूक का अंकल लगता है रिश्ते में, और इसलिए मिस रॉय कह रही थी ड्यूक को टैंग सेट का अगला क्राउन प्रिंस बनने के लिए। पर यहाँ पर ड्यूक ने उसको मना कर दिया था ये कहकर कि किंग लियांग का एक बेटा है और वही असली हकदार है टैंग सेट का अगला क्राउन प्रिंस बनने का। पर इस पर मिस रॉय ने कहा था कि वो मारा जा चुका है, जब किंग लियांग की मौत हुई थी उसी के साथ उसको भी मार डाला गया था वहाँ पर। और इस पर ड्यूक कहता है कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा ही है, बस उसको कहीं और भेज दिया गया है, पता नहीं कहाँ, और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ ताकि वो टैंग सेट का अगला क्राउन प्रिंस बन सके। और साथ ही में एक और भी बंदा था उनके साथ जो कि किंग लियांग की फैमिली का एक खास बंदा था, और वो बंदा भी अभी गायब है। कहा जाता है कि वो भी उस टाइम पर मारा गया, पर ड्यूक को लगता है कि वो बंदा मरा नहीं है और ये जो हादसा हुआ था इसके पीछे उसी बंदे का हाथ हो सकता है। इसलिए ड्यूक उस बंदे को भी ढूंढ रहा है क्योंकि वो भी उस हादसे के बाद से गायब है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही बात ये लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा भी अगर कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और फिर तभी यहाँ पर ड्यूक उस लंबे बालों वाले बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी शिप के बारे में पता चला जिससे हम सेंसे आइलैंड पर पहुंच सके। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे एक शिप के बारे में पता चला है जो कि हमें सेंसे आइलैंड तक लेके जा सकती है, पर वो शिप यहाँ पर नहीं है, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक शिप दिखाई जाती है जो कि उसी आइलैंड पर आ रही होती है जहाँ पर वो लोग थे। और यहाँ पर वो लंबे बालों वाला बंदा इस शिप के बारे में बताता है कि ये जो शिप है ये म्यू फैमिली ऑन करती है, और ये फैमिली किसी को भी अपने उस शिप पर जाने की अनुमति इतनी आसानी से नहीं देती है, और इस शिप में किसी आइलैंड पर जाने का जो खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए इस शिप को बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। और फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो शिप उसी आइलैंड के एकदम करीब आ जाती है, और यहाँ पर इस शिप को देखकर ड्यूक कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये शिप यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिस रॉय और उसके साथियों को देखते हैं, और यहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि हमें ड्यूक और उसके साथियों के साथ हो जाना चाहिए, हमें उसके साथ ही सेंसे आइलैंड पर जाना चाहिए क्योंकि वो लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और वैसे भी वो लोग हमारे पुराने साथी हैं तो हमें उनके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हो सकता है कि उन लोगों ने किसी शिप का इंतजाम कर लिया हो सेंसे आइलैंड पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर कोई शिप नहीं जा सकती है, तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लिया होगा। तो मुझे लगता है कि हमें उनके साथ हो जाना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा सेंसे आइलैंड तक जाने का। और फिर तभी इस पर मिस रॉय जवाब देती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक शिप का इंतजाम कर लिया है, मेरी एक दोस्त है जिसको मैंने कहा है एक शिप का इंतजाम करने के लिए, और वो जिस शिप का इंतजाम करके आई है वो शिप काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़ी शिप है, और उस शिप का नाम है क्रेडर लॉन्ग शिप। तो तुम शिप की चिंता तो छोड़ दो, हमें उन लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है सेंसे आइलैंड तक जाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस शिप को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग सामान इधर उधर रख रहे होते हैं, और हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उस शिप के कॉकपिट से बाहर निकल रही होती है, और ये वही लड़की है जो कि मिस रॉय की फ्रेंड है, और इसका नाम हमें यहाँ पर पता चलता है जो कि गोडेस रूई है। और इसी के साथ यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये वीडियो लगा है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटा है पर मुझे जल्दी बनाना होता है इसलिए मैं इस वीडियो को काफी छोटा कर देता हूँ, पर फिर भी अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आई है तो मुझे आप कॉमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वो आपको देखना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।